राइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। शुक्रिया। शरे जी, राइट, एक्सटेंडेड अच्छा जी। अभी तक हमने बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन देखी ओवरराइडिंग के लिए, बहुत सिंपल इम्प्लीमेंटेशन से हमने बैटर ओवरराइडिंग करी, और उसके साथ हमने रेफरेंस वेरिएबल वाली चीज भी एक नई एक्सप्लोर करी आज। ठीक है, एक तो ओवरराइडिंग एक्सप्लोर किया, साथ साथ हमने जो रेफरेंस वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यूज किया, कि अगर एक पूरी क्लास है उसको एज ए रेफरेंस यूज करना चाहें विदाउट ऑब्जेक्ट तो भी किया जा सकता है, और वो हमने देखा कैसे हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ओवरराइडिंग की ही एग्जाम्पल को एक एक्सटेंडेड वर्जन यूज करते हैं उसका, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे बेहतर क्लियर होगा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो थोड़ी सी, तो उसमें ओवरराइडिंग बेसिकली क्या रोल प्ले करती है, तो उससे पिक्चर थोड़ी सी ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाती है। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल में तो चीजें काफी दफा क्लियर समझ आ रही होती है, लेकिन जब प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर वही चीज जाती है तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, तो उस चीज को रेजोल्यूट करने के लिए कह लें आप एक और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर लेते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन जो हम 2D शेप्स की इम्प्लीमेंटेशन के साथ काम करते हुए आ रहे हैं उसी इम्प्लीमेंटेशन को ही एक्सटेंड करेंगे मेथड ओवरलोडिंग और राइडिंग दोनों यूज करते हुए। सॉर्ट ऑफ ओवरराइडिंग तो यूज करेंगे ही करेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे हैं उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट्स जंप इनटू द एग्जांपल। ठीक है, सिंपल 2D क्लास, 2D शेप के नाम से मैं क्लास बना रहा हूँ जो पहले हम बनाते थे। ठीक है, और उसमें अब इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। डबल प्राइवेट हाइट और विड्थ और डबल डबल हाइट अंडरस्कोर। ठीक है, एक सिंपल इस क्लास के अंदर हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ अब क्या करते हैं, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, पब्लिक 2D शेप और इसको हम एक तरीके से अब क्या कर रहे हैं, जो एग्जांपल है उसका सिंपल एक फ्लो पहले समझ लेते हैं ताकि इम्प्लीमेंटेशन आसान हो। कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब जिससे कि हम शेप्स, पहले हम खाली एक ट्राइंगल को देख रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मेथड ओवरराइडिंग को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट शेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। कि हम एक स्केलेटन मेथड बना लेंगे अपना, ठीक है, या बेसिक डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन बना लेंगे, उसके बाद उसकी ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडेड वर्जंस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट शेप्स के ऊपर भी काम है और डिफरेंट जो पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक्स है उनको अभी एक साथ यूज करना बेसिकली टारगेट है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट बेसिकली सेट कर रहा हूँ मैं वैल्यूज को। ठीक है, कि अगर डिफॉल्ट में क्या वैल्यू हो, इक्वल्स टू विड्थ इक्वल टू हाइट, ये भी एरर देगा, इसको मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ 0.0। ठीक है, और इसी तरीके से नेम नल, यानी ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी है, कह लें आप ये स्केलेटन सेट किया है, ये भी इसको हम अभी क्यों मैंने इनको कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ,
डिक्लेयर नहीं किया विड्थ को हाइट को, तो इस वजह से ये स्पैरर दे रहा है, इसको मैं भी सॉल्व करता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद पैरामीटराइज्ड वर्जन के ऊपर, पैरामीटराइज्ड इसका 2D शेप की इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं। 2D शेप डबल एच कॉमा स्ट्रिंग एन, इतना दूर जाना पड़ रहा है, इक्वल्स टू डब्ल्यू और हाइट इक्वल्स एच एंड द नेम इक्वल्स एन स्ट्रिंग एन है ना, बिल्कुल स्ट्रिंग एन है। थिंग्स को इस बात का दे रहा है जैसे कंस्ट्रक्टर के, एक मिनट नहीं मैंने हाइट ऑफ इट को मैं आगे जब इसके पूरे वर्जन इंप्लीमेंट कर लूंगा फिर इसको मैं डीबग करता हूँ। अच्छा जी, अभी हमने क्या किया, सिंपल एक हमने विदाउट पैरामीटराइज्ड वर्जन बनाया, इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ, डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन कह लें आप इसको, या डिफॉल्ट 2D शेप कंस्ट्रक्ट शेप। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये पैरामीटराइज्ड वर्जन ऑफ 2D शेप्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर इन केस जो भी शेप आ रहा है उसकी अगर हाइट और विड्थ इक्वल है तो फिर क्या हो, ठीक है, तो उसके लिए भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। व्हेन हाइट एंड विड्थ इज इक्वल, जो कि स्पेशल सिनेरियो है, स्पेशल केस है रेक्टेंगल का, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में जस्ट यही डिफरेंस होता है कि उस स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल एंड जो आपका वो होता है रेक्टेंगल होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। इसी तरीके से एक्स और नेम जो हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो भी हम नेम देंगे वो नेम होगा इसका, और हाइट और विड्थ क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल उसकी रेक्टेंगल की, तो इसलिए वो चीजें इक्वल है। अच्छा जी, ओके, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका, पब्लिक शेप ओबी, हम एक ऑब्जेक्ट बेसिकली एक कॉपी बना रहे हैं इसकी, विड्थ इक्वल्स टू ओबी डॉट विड्थ, और हाइट
है, और नेम इज इक्वल नेम। अच्छा जी, ये हमने क्या किया है, सिंपली ये हमने 2D शेप जो बेसिकली क्लास बनाई है, ठीक है, उसी के हमने चार डिफरेंट बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स बना लिए, और एक जो एक तरीके की कॉपी बनाई है, ऑब्जेक्ट की कॉपी, ठीक है, उसकी उसको बनाया है, सही है। टिल नाउ, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो पूछ लें। ये जो एरर्स हैं उनको डिबग कर लेंगे, जो हाइट और विड्थ का ये एरर दे रहा है वो उसको अभी अब आगे हम पूरी इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, तो इसको उस वक्त डिबग कर लेंगे अगर एरर उस वक्त तक रहा तो, ठीक है। इस बात को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार एक ही सवाल को करके अपना टाइम भी जाया ना करें, मेरा टाइम भी जाया ना करें, ठीक है। जो लेक्चर है उसके ऊपर फोकस कर लें तो आपकी भी लर्निंग बेहतर हो जाएगी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपका टॉपिक वो भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में क्लास का नाम क्यों आएगा, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं बेटा, जब मैंने बताया था जब कंस्ट्रक्टर बनाते तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा अगर उसका उसी नेम से नहीं बनेगा। कंस्ट्रक्टर वाली क्लास ली थी आपने अली अब्बास, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर का बेसिकली टारगेट ये होता है कि कंस्ट्रक्टर जब भी इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंस्ट्रक्टर का वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, ठीक है। और जिस तरीके से मेथड ओवरलोड हो सकते हैं, इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर्स भी ओवरलोड हो सकते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है के मिसाल के तौर पर 2D शेप है, 2D शेप का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक 2D शेप के नाम से, ठीक है, जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, फिर उसी का कंस्ट्रक्टर करा बनाया, ये ओवरलोडिंग हो रही है, ठीक है, और उसमें मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए। इसी तरीके से एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें मैंने डिफरेंट डेटा पास कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंट बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर्स डिफरेंट के थ्रू 2D शेप की जो का जो कंस्ट्रक्टर है उसको ओवरलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और इस ओवरलोडिंग को यूज करते हुए हम आगे जब ओवरराइडिंग करेंगे तो वहां पे इसकी बेसिकली इम्प्लीकेशन होगी यूज, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं इसकी, और गेटर एंड सेटर बना लेते हैं, पब्लिक सॉरी, और इसको गेटर एंड सेटर पहले गेट कर लेते हैं, वैल्यू को उसकी, ये क्या करेगा, रिटर्न ट्राई ठीक है, उसमें आएगा उसका सेटर बना लेते हैं। सेटर जैसे हमने पहले बनाया था, अगर आप लोगों को प्रीवियस एग्जांपल इसी की याद हो तो वही कंडीशन सेम मैं यूज कर रहा हूँ कि वैल्यू अगर 0 से लेस हो तो उसको बेसिकली डिटरमाइन कर लिया जाए 0, और लॉजिकल कंपैरिजन है ये बेसिकली, क्वेश्चन मार्क, वेयर डज इट गो, क्वेश्चन मार्क माइनस वैल्यू कॉलन वैल्यू, ठीक है, और ये आ गया आपका गेटर सेटर बन गया इसका। इसी तरीके से विड्थ का जो बनाया जैसे हमने इसको, इसी तरीके से हाइट का भी हम गेटर और सेटर बना लेते हैं, उसमें बस हाइट रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी प्राय हाइट कर देते हैं, यहाँ पे भी ठीक है।
तो सिंपली क्या किया हमने कि जो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स बनाए, जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करी है, ठीक है, उन कंस्ट्रक्टर्स को यूज करते हुए हमने बेसिकली वैल्यूज को किया है, यूटिलाइज किया है, ठीक है। लॉजिकल कंपैरिजन लगाए बगैर भी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि आप प्राइवेट हाइट इज इक्वल टू वैल्यू कर दें, लेकिन ये कंपैरिजन इसलिए लगाया कि उसकी वैल्यू जो जीरो से अगर कम हो तो नेगेटिव पॉजिटिव इस कंडीशन को टैकल करने के लिए किया है, ठीक है। आप इसके बगैर भी कर सकते हो, कोई इसमें वो ऑब्वियसली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए करें, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे गेटर सेटर बना लेते हैं नेम के लिए, पब्लिक नेम, सो गेटर और सेटर, आई थिंक गेट, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसको गेट करके सेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे हमने प्रीवियसली जब लास्ट वर्जन पे भी जब काम कर रहे थे तो हमने डिफरेंट मेथड्स बनाए थे, जैसे शो डायमेंशन, शो स्टाइल, तो वो वाले मेथड्स को भी बना लेते हैं पब्लिक। ये उसी जो एग्जांपल हम लोग जब शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं उसी का एक्सटेंशन है, यानी उसमें हम अब जब जो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं साथ साथ हम उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगेन इससे सिंपलर वर्जन से भी ये काम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सिनेरियो के साथ या इस स्टाइल ऑफ कोड के साथ करने का मकसद ये है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स या इम्प्लीमेंटेशंस आपके सामने आ जाएं, ठीक है। चलिए शो डायमेंशन, वैल्यू को प्रिंट करवा देते कंसोल डॉट व्हाइट लाइन, width and height, height, यहाँ पे simply width और height की जो भी value है उसको ले लेते हैं, yes, height, okay। मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके ओके, मैंने एक चीज मिस कर दी, प्लस मैंने मिस कर दिया, इस वजह से मिस एरर दे रहा है, स्पेल एंड की भी जरूरत नहीं है, दिखी देते हैं ताकि सेपरेशन रहे, क्लियर हो जाए। ये तो डायमेंशन बेसिकली डायमेंशन शो कर देगा, ठीक है। इस तरीके से एरिया पब्लिक, अब यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसकी, और वर्चुअल सॉरी एरिया, कंसोल नाइन एरिया मैटर मस्ट बी ओवर रिटन, और यहाँ पे रिटर्न जीरो, 0.0 इसलिए कि डबल वैल्यू रिटर्न वो एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि हमने जो टाइप बनाई है मेथड की वो डबल है, ठीक है। अच्छा जी,
अच्छा जी, ये अभी तक हमने क्या किया, हमने अगेन एक दफा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इसकी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैं साथ साथ रिकैप भी कर रहा हूँ। हमने सिंपली दो प्राइवेट वेरिएबल्स बना लिए, उसके बाद सिंपली कंस्ट्रक्टर्स बना लिए, एक पैरामीटराइज डिफरेंट वर्जन ऑफ कंस्ट्रक्टर हमने इम्प्लीमेंट कर लिए, ठीक है। फिर गेटर सेटर से उनकी वैल्यूज को सेट कर दिया हमने, ठीक है। और देन हमने डायमेंशन का एक मेथड बना दिया और एरिया का एक मेथड बना दिया जो कि वर्चुअल टाइप का है। अब ये वर्चुअल टाइप का जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब ओवरराइड करेंगे, ठीक है। ओवरराइड कैसे होगा इसको देख लेते हैं। तो अब इसको यहाँ पे हमारी यहाँ ये 2D क्लास का काम यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। ट्राइंगल कॉलन वी शेप, डी शेप से इनहेरिट कर, ट्राइंगल में 2D शेप इनहेरिट कर ली, ठीक है। इसमें एक स्ट्रिंग बना लेते हैं स्टाइल के नाम से, जैसे हम प्रीवियसली यूज कर ही रहे थे इसको भी, ठीक है। और इसके साथ भी कंस्ट्रक्टर वाला सिनेरियो इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो पब्लिक ट्राइंगल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया ये, ठीक है। डिफॉल्ट में स्टाइल की वैल्यू हम लोग नल कर रहे हैं, ठीक है, कि स्टाइल की कोई भी वैल्यू नहीं है। और अब पैरामीटराइज्ड वर्जन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें पब्लिक ट्राइंगल स्ट्रिंग एस डबल डब्ल्यू डबल एच हाइट वेट और स्टाइल, ठीक है। और इसको 1 मिनट, इसको हम लोग ले लेते हैं बेस क्लास, बेस, और बेस से हम लोग ले लेते हैं जो भी हमारी विड्थ और हाइट की वैल्यू सेट हुई होगी वो हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और स्टाइल एस, और इसमें चीज मिसिंग है, इसको आर्गुमेंट मैंने कम पास किया है, स्ट्रिंग एन जो कि इंटेलिजेंस में दे भी रहा है कि स्ट्रिंग एन नहीं पास किया, तो ये ट्राइंगल अभी इसकी इंप्लीमेंटेशन सही होगा, ठीक है। ये कह लें आप, जिस तरीके से हमने 2D शेप में किया था कि एक हमने डिफॉल्ट बनाया उसके बाद हमने डिफरेंट उसके वर्जन्स बना लिए, इसी तरीके से ट्राइंगल में भी हम वही काम कर रहे हैं कि हमने पहले एक डिफॉल्ट ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, उसके बाद उसका एक जेनेरिक वर्जन बना लिया, उसके बाद अब टाइप स्पेसिफिक ट्राइंगल्स की इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, उसके बाद टाइप स्पेसिफिक रेक्टेंगल्स की या डिफरेंट शेप्स की इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, ठीक है। पब्लिक ट्राइंगल डबल एक्स, ठीक है, सारे जो हमने ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करते हुए आए हैं उन्हीं को रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें स्टाइल क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं ट्रायंगल की। अच्छा, इसी तरीके से आइसोसेलेस के राइट एंगल ट्रायंगल की इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, या किसी और एक इसकी कॉपी बना लेते हैं, जैसे हमने ऊपर उसकी कॉपी बनाई थी एक ऑब्जेक्ट की। तो पब्लिक ट्रायंगल ओवी, और इसको बेस, सॉरी ओवी, और उसके स्कोप में स्टाइल जो भी ओबी का स्टाइल होगा वही इसका स्टाइल होगा, स्टाइल ओबी का जो भी हम स्टाइल स्टाइल सेट करेंगे वही स्टाइल इसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोग एरिया को ओवरराइड करते हैं, जो एरिया हमने ऊपर ये वर्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करी है, मेथड बनाया है, इसको ओवरराइड करते हैं एरिया को।
ये क्या हुआ, पब्लिक ओवरराइड, और ओवरराइड हम एरिया को कर रहे हैं, ठीक है, एरिया ओवरराइड हो जाएगा। हाँ सॉरी, अच्छा जी, और ओवरराइड करें तो इसकी ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न विड्थ, जनरल फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो वर्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की थी उसमें हमने कुछ भी कुछ काम नहीं किया था, बस ये इसमें एक मैसेज प्रिंट कराया था, एरिया ऑफ बैटरी मस्ट बी ओवरराइडन, ठीक है। तो उसमें उस वक्त इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने 0.0 सेट कर दी। यहाँ पे हम बेसिकली जो ओवरराइडिंग करने के बाद इसको इसकी वैल्यू को सेट कर रहे हैं। अगेन ये वही वाली बात है कि आप इसके बगैर भी कर सकते थे ये, लेकिन जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग कि कैसे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये जो डिफरेंट आप टेक्निक सीख रहे हैं उसको सिखाना यहाँ मकसद है, ठीक है। तो ये काम आप इसके बगैर भी कर सकते थे, ठीक है, वर्चुअल के बगैर, और ये करते हुए आए रहे हैं हम लोग वर्चुअल के बगैर भी, ठीक है। तो यहाँ पे खाली इसका पर्पस यही है कि आप सिंपल आपको डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली आ जाए। कंसोल ट्राइंगल इज ट्राइंगल स्टाइल इज कर लें, ठीक है, आपका ट्राइंगल का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल की इम्प्लीमेंटेशन कर ली। इसी तरीके से अब हम दूसरा शेप बना लेते हैं रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल, और इसको भी हम 2D शेप से ही इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल के लिए भी हम तकरीबन वही काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले एक डिफॉल्ट उसका बना देंगे, इसके बाद फिर बाकी वर्जन। लिख रेक्टेंगल डबल W कॉमा डबल H, और उसको बेस से हम विड्थ हाइट और वो ले लेंगे W कॉमा H कॉमा स्ट्रिंग, रेक्टेंगल, सिंपल रेक्टेंगल, जेनेरिक रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा जी, और सॉरी इसमें फिलहाल अभी कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहा, अगर प्रिंट कराना चाहें तो कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। इसी तरीके से इसका एक और वर्जन बना लेते हैं, पब्लिक रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल डबल, और डबल के साथ एक्स डबल एक्स बीस एक्स कॉमा जो हमने दूसरी इम्प्लीमेंटेशन करी थी ट्राइंगल की, तो इसमें रेक्टेंगल रेक्टेंगल। अच्छा जी, इसी तरीके से इसकी एक और इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट वाली जो हमने यहाँ पे की है, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट वाली, इस तरीके से रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट भी कर लेते हैं। देख रेक्टेंगल और रेक्टेंगल वो भी, और उसको भी बेस से एक्सटेंड करके
ट्रेंगल ओ बी और ये आ गया। तो अभी हमने क्या किया, जैसे हमने सिंपल यहाँ पे आइसोसेलेस किया इस तरीके से किया, तो ये चीजें कर ली इसके लिए। अच्छा जी एक और इसमें काम कर लेते हैं, एक चेक लगा देते हैं सिंपल स्क्वायर वाले के लिए, के स्क्वायर वाले सिनेरियो को भी मैप कर लेते हैं। बूल इज स्क्वायर, इसमें किफ का चेक लगा लेते हैं, किफ विथ इक्वल्स इक्वल्स हाइट then return true else return false. Oh, sorry, what's this been? ठीक है, सिंपल चेक लगा है जो कि चेक कर रहा है कि अगर हाइट और विड्थ इक्वल है तो ऑब्वियसली वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, ठीक है, इसकी चारों साइड्स इक्वल है। इसी तरीके से रेक्टेंगल के लिए ओवरराइड कर देते हैं एरिया को, जैसे हमने ट्रायंगल के लिए ओवरराइड किया है, तो पब्लिक ओवरराइड एरिया स्क्वायर का वो बंद किया, इसको क्लोज नहीं किया, स्क्वायर आ गया एरिया, और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है विड्थ इनटू हाइट, विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। एरर की तरह से अच्छा 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 डबल नहीं लिखा मैंने, रिटर्न टाइप, यहां तक क्लियर है सबको कि क्या हुआ। यहां तक क्लियर है कि हुआ क्या है, कि सिंपली हमने क्या किया कि एक हमने पहले 2D शेप का स्ट्रक्चर बनाया कह लें आप, ठीक है, और उसी स्ट्रक्चर को हमने ट्रायंगल के लिए भी ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसी स्ट्रक्चर को हमने रेक्टेंगल के लिए भी ट्रांसफॉर्म कर लिया, इन शॉर्ट सिंपल इज दिस, ठीक है। एग्जाम्पल हमने थोड़ी सी जो प्रीवियस एग्जाम्पल यूज कर रहे थे उसी एग्जाम्पल को यूटिलाइज किया है यहाँ पे, बस ये एक फर्क है। अच्छा जी, ये रेक्टेंगल क्लोज हो गई, 2D शेप क्लोज हो गई, एक मिनट एरर लास्ट वाले में क्यों दे रहा है, वो अच्छा जी। अब सिंपल मेन क्लास इंप्लीमेंट मेन मेथड के लिए मेन क्लास खोल लेते हैं, तो डायनेमिक शेप क्लास बना लेते हैं, इसमें मेन मेथड बना लेते हैं स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें 2D शेप इक्वल्स आर शेप्स, जिस नाम से ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ मैं, इक्वल न्यू 2D शेप, एरे टाइप एरे उसको देना होगा कितनी वैल्यूज, बेसिकली ये कॉपी बनाना चाहते हैं, ठीक है जी, समझ आई ये लाइन जो लिखी है मेन में। हम क्या कर रहे हैं, हमने 2D शेप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाना चाह रहे थे, तो हमने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ डूइंग शेप्स के अलग अलग हम टाइप बनाते जैसे हम प्रीवियसली करते आए थे, हमने उसकी जगह एक एरे बना दिया, ठीक है, और
एरे बना के हमने उसको बेसिकली अब उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पास कर देंगे। यानी अब क्या होगा कि जैसे हम पहले ऑब्जेक्ट्स हर इंस्टेंस के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बना रहे थे, मिसाल के तौर पर रेक्टेंगल के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाते, ट्राइंगल के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाते, 2D शेप के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाते, तो हमने क्या किया कि 2D शेप के ही मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमें यूज करने थे, तो हमने सिंपली उसकी शेप्स मतलब जो उसका जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसको एरे टाइप का बना दिया। तो उसमें हम जितने भी उसकी इंस्टेंसेस बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2D शेप की 5 बेसिकली इंस्टेंसेस बनाएंगे और उनमें डिफरेंट वैल्यूज पास करके देखेंगे। क्लियर है? इसको मैं इंप्लीमेंट कर दूं। तो शेप्स नाम है हमारा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, शेप्स इसके जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या है, इसके जीरो इंडेक्स के ऊपर मैंने न्यू ट्रायंगल, ठीक है, और ट्रायंगल में हम डिफरेंट अब डेटा पास कर सकते हैं, जैसे हम ऊपर कंस्ट्रक्टर्स का करते हुए आए हैं, राइट कॉमा 8.0 कॉमा व्हाट एवर वैल्यू यू वांट। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई, शेप्स 1 और इसी तरीके से न्यू, इसमें हम न्यू में न्यू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की इम्प्लीमेंटेशन यूज कर लेते हैं, उसमें 10, ठीक है, और इसी तरीके से शेप्स 2 इक्वल्स टू न्यू ट्रायंगल, न्यू रेक्टेंगल, ट्रायंगल बनाने रेक्टेंगल बना ले व्हाट एवर यू वांट। यहाँ टारगेट बस यही है कि डिफरेंट जो हमने तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करी है उसको टेस्ट कर लें। न्यू ट्रायंगल शेप्स और इसकी लास्ट न्यू पूरी जेनेरिक। जेनेरिक वर्जन, ठीक है। अब इस पूरे जो चंक है इसको प्रिंट कराने के लिए एक फॉर का लूप बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सेशन एंड होने वाला है, ये मैं सेशन रीस्टार्ट कर लेता हूँ, फिर बाकी कोड में उस सेशन में कर देता हूँ, ठीक है। तो सेशन में रीस्टार्ट कर रहा हूँ, सेशन में उसी में कंटिन्यू करता हूँ कोड, ठीक है। आप लोग रिकनेक्ट कर लें।